10 साल में सिर्फ 40 लोग मुसलमान थे, लेकिन जो वो इनकलाब लेके आए थे वो मदीना की रियासत संभाल के लेके आए थे। चेंज पॉलिटिकल आता है। ये समझना कि हम चुप करके बैठे रहेंगे और कोई शॉर्टकट है कि हम एकदम उठेंगे तो चेंज आ जाएगा, ऐसे तो चेंज नहीं आता। आप सबको ये फैसला करना पड़ेगा, आप सबको पॉलिटिकल होना पड़ेगा। मुझे ये मैं जब जाऊं, नहीं जी मैं सियासत में नहीं, मैं गैर सियासी हूं। मैं जी गैर सियासी हूं। गैर सियासी तो जानवर होते हैं। आपने नेशनल ज्योग्राफिक या एनिमल प्लैनेट देखा होगा, हजारों हिरन खड़े होते हैं, एक कमजोर सा चीता जाके पकड़ लेता है हिरन को, सारे बाकी गैर सियासी अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं। अगर उनमें से 10 भी खड़े होकर चीता पे हमला करें वो भाग जाए, लेकिन वो सारे गैर सियासी होते हैं। ये कि आपके मुल्क में जुल्म और नाइंसाफी हो रही हो, गरीब बेचारा मर रहा हो, खुदकुशियां कर रहे हो लोग, अन्य हम गैर सियासी हम नहीं कुछ करेंगे, ऊपर आपके सारे मुजरिम हुकूमत कर रहे हो, हम जी गैर सियासी हैं। एरिस्टोटल ने 2500 साल पहले कहा, उसने कहा अगर माशरे में जुल्म और नाइंसाफी होगी हर शहरी सियासत में हिस्सा लेगा। फिर उसने क्वालिफाई किया स्वाय दो तबकों के, एक बुजदिल और दूसरा खुदगर्ज। कि जी मेरी फैक्ट्री ना खराब हो जाए, मैं बड़ी लोगों ने कहा और जी वो टैक्स वाले मेरी फैक्ट्री बंद करवा देंगे, वो जी मेरी कंसल्टेंसी खत्म हो जाएगी। खुदगर्ज और बुजदिल, वो देखें जी वो अल्ताफ हुसैन है, वो जी वो चौधरी हैं, वो फलाने शरीफ हैं, वो जरदारी हैं। ये जो खौफ है, ये जो बुजदिली है, ये दो चीजें हैं जो माशरे को गुलाम बनाती हैं। तो आज हम जो गुलाम बने हुए हैं, एक इतना वाइब्रेंट माशरा, जब हम 80s में, मुझे याद है हम जब जाते थे दुबई में, मैं शुरू में जब हम मैचेस खेलने जाते थे तो वहां सारी जो इंडियन और पाकिस्तानी जो मैनेजमेंट थी एक ही जितनी थी, टॉप मैनेजमेंट। आज आप जाके देखें तकरीबन सारी टॉप मैनेजमेंट इंडियन और सारा लेबर पाकिस्तानी। तो ये जो चेंज आया है ये हमारे सामने आया है, और ये चेंज आया इसलिए है कि हमने हमारे में बुजदली थी, हमने अपने राइट्स हकूक की जंग नहीं लड़ी। हम तमाशा देखते रहे कि इमरान साहब आप पॉलिटिक्स में क्यों हैं जी, अच्छा भला आप काम कर रहे थे। इमरान खान को तो पॉलिटिक्स की कोई जरूरत नहीं है, बाकी पॉलिटिशियंस की तरह मैंने तो कोई पॉलिटिक्स में कोई जाके कोई करियर नहीं बनाना। बाकी पॉलिटिशियंस के तो आप पहले एहसास से देख लें पॉलिटिक्स से पहले ये क्या थे और बाद में क्या थे, आप सिर्फ इनके एसेट्स देख लें। नवाज शरीफ जब पॉलिटिक्स में आया था तो इसकी एक फैक्ट्री थी इनकी फैमिली की, 7 साल के बाद 22 फैक्ट्रियां बन गई। आप आसिफ जरदारी का देख लें, बेम्बीना सिनेमा था और आप देख लें किधर है वो। और मैं आप एक एक का आप क्या बता दूं, आपके एक एक के एसेट देख लें कि पहले क्या थे बाद में क्या थे। लेकिन हम तो कुर्बानी देके पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हमारे मेरे लिए तो अल्लाह ने जिंदगी बड़ी आसान की हुई है, मैं तो कुछ भी ना करूं तो आराम से जिंदगी गुजार सकता हूं। लेकिन हम पॉलिटिक्स में इसलिए हैं कि हमने अपने मुल्क, हम अगर अपने मुल्क को बचाना है तो उसकी जान लड़नी है। अब अगर हम नहीं करेंगे कौन करेगा, क्या यही बारियां लेते रहेंगे, वो एक जाएगा दूसरा आ जाएगा, वो जाएगा वो वापस आ जाएगा।